है उत्तराखंड, आज संडे है, रविवार, और ये सियासी रविवार उत्तराखंड के इतिहास में एक और नया अध्याय जोड़ रहा है। कल वोटिंग होनी है, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद वोटिंग होनी है, मगर उससे पहले सियासी संग्राम छिड़ गया है और सियासी संग्राम अपने चरम पर पहुंच चुका है। सियासी सुपर संडे ये साबित हो रहा है। एक बयान सियासी तूफान खड़ा कर चुका है उत्तराखंड की सियासत में। अमित शाह का यह बयान, कांग्रेस इस वक्त उस बयान को लपक रही है, उस बयान को उत्तराखंडियत की अस्मिता का सवाल बता रही है। तो अमित शाह ने ऐसा क्या कुछ कहा और क्यों सियासी बवाल मचा, उस पर भी करेंगे बात। लेकिन इतना जान लीजिए कि 70 की 70 विधानसभा सीटों पर कल उत्तराखंड की आवाम वोट करेगी। अगर आपका भी वोट है तो वोट की चोट और वोट किसको देना है यह आपका अधिकार है। कौन होगा देवभूमि की दंगल का महारथी और कौन जीतेगा देवभूमि का दंगल? देवभूमि का दंगल दूसरी तरफ और देवभूमि के दिल में किसका राज, यह भी एक अहम सवाल। धामी रचेंगे इतिहास या फिर हरीश लेंगे सियासी बदला? उत्तराखंड की जनता आखिरकार किसका देगी साथ? देवभूमि के दिल में आखिरकार किसका राज? तो उत्तराखंड की पुकार, अब की बार किसकी सरकार? ये तमाम सवाल उत्तराखंड में आज मुंह बाहे खड़े रहे। तमाम दिग्गज की किस्मत दांव पर होगी, हर एक सीट पर दिलचस्प मुकाबला होगा और हर एक सीट पर प्रत्याशियों की किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी। खटीमा पुष्कर सिंह धामी मुकाबला लड़ेंगे कांग्रेस के भुवन कापड़ी से, लालकुआ बीजेपी से हरीश रावत मुकाबला करेंगे मोहन सिंह बिष्ट से, निर्दलीय संध्या भी मैदान में है। हरिद्वार से मदन कौशिक, कांग्रेस से सतपाल ब्रह्मचारी, अब चक्राता प्रीतम सिंह और बीजेपी रामशरण नोटियाल। कई दिलचस्प मुकाबले हैं इस बार, लेकिन सबसे पहले जरा उस बयान का जिक्र कर लेते हैं जिसने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। क्या वाकई इस बयान ने, अमित शाह के एक बयान ने बीजेपी को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया? और हरीश रावत इस बयान को लेकर क्यों हो रहे हैं इतना आक्रामक? सियासी सुपर संडे, ठीक वोटिंग से पहले का आज का महाधिमा का एपिसोड। लेकिन पहले ये दो बयान सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। ये बिचारे हरीश रावत को नेता बनाएंगे, टिकट देंगे नहीं देंगे, यहां से देंगे वहां से देंगे, एक धोबी का आगे नहीं बोलना चाहता, न घर का न घाट का। थैंक यू नरेंद्र मोदी जी, थैंक यू आदरणीय अमित शाह जी, चीफ मिनिस्टर और केंद्रीय मंत्रीगण, आप उत्तराखंड आ रहे हैं, कांग्रेस के इस छोटे से कार्यकर्ता पर लठ दर लठ बरसा रहे हैं। कल अमित शाह जी ने एक सभा में कह दिया, मेरे घर की सभा में कह दिया कि हरीश रावत तो धोबी का आगे डैस और घर का न घाट का, केवल कुत्ता नहीं कहा ना, कुत्ता तो भैरव होता है, भैरव का अंश माना जाता है, तो मैं तो यदि उनकी नज़र में कुत्ता हूँ तो मैं उत्तराखंड का ही हूँ ना, उत्तराखंड के लिए ही बोलूँगा तो उत्तराखंड के लिए, भौंकूंगा उनकी नज़र में तो उत्तराखंड के लिए, मगर याद रखिए यदि उत्तराखंड के हितों को चोट पहुँचेगी तो भौंकने के साथ थोड़ा काटूंगा। तो ये दो बयान सियासी तूफान खड़ा कर रहे हैं। एक तरफ अमित शाह, देश के गृह मंत्री, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने हरीश रावत को लेकर जो टिप्पणी की, उसको लेकर हरीश रावत और समूचा उत्तराखंड कांग्रेस आक्रामक हो गई है। अब इसे उत्तराखंडियत की अस्मिता से जोड़कर हरीश रावत सियासी दाव खेल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये उत्तराखंड का अपमान है। सीधा रुख कर रहे हैं इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। सीमा डोरा हमारे साथ जुड़ गई है जो कि बीजेपी का चेहरा है, समीर रतुड़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी का चेहरा है, और कांग्रेस के तेजतर्रार प्रवक्ताओं में से एक मोहन काला हमारे साथ इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीमा डोरा जी, इस कार्यक्रम की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। तो अमित शाह जी ने फंसा दिया समूची भवन में बीजेपी को, क्या कह रहे थे अमित शाह जी?
हरीश रावत को लेकर। सीमा मैडम अनम्यूट कर लीजिए। मैंने कहा मैंने सुना नहीं, वो सुनाएंगे मेरे को, तो सुनाई नहीं दिया आपने। क्या पूरा उत्तराखंड सुन रहा है, आप कह रहे हैं कि सुना नहीं आपने। आप सुनाइए अभी जरा, मैं दोबारा सुना दूं आपको। नहीं, तो सुनाई नहीं दिया जब आप लगाया होगा आपने। अच्छा, तो वो जो क्योंकि मोहन काला जी कह रहे सुना तो दीजिएगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। और वो जो बीच में उन्होंने छोड़ दिया डैश 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 फिल इन द ब्लैंक्स, वो ब्लैंक्स आप भर दीजिएगा। आप भर देंगे ब्लैंक्स पक्का? मैं दोबारा सुनाऊं? मैं अपने सहयोगी को सुना, मैं दोबारा सुनवा देता हूं मैडम आपको, मैं दोबारा सुनवा देता हूं। प्लीज इस बयान को दोबारा से प्ले करिए प्लीज। ये बेचारे हरीश रावत को नेता बनाएंगे, टिकट देंगे नहीं देंगे, यहां से देंगे वहां से देंगे, एक धोबी का आगे नहीं बोलना चाहता न घर का न घाट का। थैंक यू नरेंद्र मोदी जी, थैंक यू आदरणीय अमित शाह जी, चीफ मिनिस्टर दर चीफ मिनिस्टर और केंद्रीय मंत्रीगण, आप उत्तराखंड आ रहे हैं, कांग्रेस के इस छोटे से कार्यकर्ता पर लठ दर लठ बरसा रहे हैं। कल अमित शाह जी ने सीमा जी सुना आपने क्या कह रहे थे अमित शाह जी? कह रहे थे कि धोबी का डैश 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 आगे नहीं बोलूंगा। आप हरीश रावत जी कह रहे कि आपने गलत किया, जो किया मुझे जो भी समझ लीजिए, लेकिन मैं उत्तराखंड की आवाज उठाता हूँ, उठाता था, उठाता हूँ, उठाता रहूंगा। बात यहाँ आवाज उठाने की नहीं है, बात यह है कि जब बेचारे टिकट मांग रहे थे तो वो कभी इधर से मांग रहे, कभी उधर से मांग रहे। तो मैंने भी एक डिबेट में कहा था कि मांग भी तो रहे थे आप, उनकी तो वीडियो कितनी ऑडियो भी और वीडियो भी वायरल हुई है कि भाई तुम मुझको यहाँ से दे दो, रामनगर से दे दो, प्लीज दे तो दो। फिर एक महिला का टिकट इन्होंने कहा रामनगर, कहा टिकट बांटना और टिकट लेना दोनों अलग अलग बात है, टिकट मांगना और टिकट बांटना दोनों अलग पर, बात। पर इनको लड़ने कौन दे रहा था? कहीं से तैयारी तो इनकी कहीं से होती नहीं है। गेम खेलते रहते खाली ऊपर खुले। हरीश रावत को आप कह रहे हो हम लोग सीरियस ही लेते हैं हरीश रावत को, और हरीश रावत को रोज कोस रहे हो? नहीं, सीरियस की तो बात तब हो ना जब वो कुछ सीरियस उनके अंदर हो, सीरियसनेस। वो तो सिर्फ एक, और कांग्रेस में है ही क्या जिसके लिए बात करो? एक कांग्रेस में हरीश रावत ही तो है, चाहे आप ऊपर नीचे दाएं बाएं, हरीश रावत हर जगह, हरीश रावत के अलावा तो कांग्रेस है ही नहीं। एक नाम पर ही तो टिकी हुई हरी कांग्रेस। ये बयान उत्तराखंड देंगे जो अमित शाह जी कह रहे थे? नहीं दरा, मैंने को क्या दराना, आपने सुनाई दिया। आप नहीं दोहराएंगे, ओके। मोहन काला जी, सीमा जी कह रही हैं कि हरीश रावत ही तो हैं, अब उनको भी आक्रामक ना हो चुनावी रण में, तो फिर कांग्रेस में तो कोई है ही नहीं। आगे रावत, पीछे रावत, दाएं रावत, बाएं रावत, जहां देखो वहीं हरदा ही हरदा है। देखिए, एक बहुत ही अमर्यादित और एक ऐसा जो उत्तराखंडियत को अपमान करने वाला बयान, कल आप देखेंगे कि रायपुर विधानसभा में जिस तरीके से देश के गृह मंत्री जी वहां जनसभा को संबोधित करते हुए और अपनी मर्यादाओं को तार तार करते हुए वो इस तरह की भाषा पर जो है उतर आते हैं, और उनका जो शब्द है, उन शब्दों ने सिर्फ हरीश रावत का अपमान नहीं किया है चावला जी, देखिए आपको समझना पड़ेगा और सीमा जी को भी समझना पड़ेगा, उन्होंने उत्तराखंडियत का अपमान किया है, उसने उत्तराखंड के उस हर एक जन का अपमान किया है जो उत्तराखंड के आवाम के लिए, उत्तराखंड की विरासत के लिए, उत्तराखंड की संस्कृति के लिए, उत्तराखंड के लोक कलाकारों की लड़ाई के लिए, उत्तराखंड की भावनाओं के लिए लड़ रहा है। ये मैं समझता हूँ कि ये उनका अपमान है। और अभी जैसा कि आप कह रहे थे, मेरे को निश्चित तौर पर मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है चावला जी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सपने में भी कांग्रेस के जो दो नेता हैं, एक राहुल गांधी जी और एक हरीश रावत जी, ये इनको नींद में भी डराते होंगे और सताते होंगे। जोक राहुल ये डराते होंगे, सताते होंगे, और ये इस तरीके से हंसाते हैं, हंसाते हैं। ये नहीं बोलिए राहुल गांधी की तो मुंह खुला नहीं कि लोगों को हंसाएंगे पार्टी के, ये इस तरह के जो हास्य कलाकार में कलाकार बन सकते हैं ये लोग, ये हास्य कलाकारी बन सकते हैं
क्योंकि इनको संदीप पात्रा जी ने यही सिखाया कि हास्य कलाकार बनकर जाइए। आप एक मात्र शक्ति के रूप में, महिला के रूप में यहाँ बैठी हैं, कम से कम उस तरह की गरिमा को बना के रखिए सीमा जी। आप भी तो गरिमा बनाइए। आपने क्या बोला कि हमारे को सपने में भी ये दोनों याद आते, इतना इन्होंने ऐसे क्या कर दिया जो हमें सपने में भी आए हैं? निश्चित तौर पर सपने में भी वो डराते होंगे आपको। आप इससे पहले देखिए चावला जी, आप इससे पहले देखिए देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो उत्तराखंड के जन मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। वो जितनी देर बोलते हैं उतनी देर उनके बयान पर, जो उनकी भाषा पर, जो उनकी उनकी जुबान पर जो है, वो हरीश रावत जी रहते हैं। अमित शाह जी इससे पहले जब देहरादून आए परेड ग्राउंड में, तब भी वो जो है क्या बोलते हैं, हरीश रावत जी पर उन्होंने वार टू वार किए। और आप कल भी देखिए कि उन्होंने हरीश रावत जी को ही टारगेट करके लिया, और क्योंकि इनको पता है कि उत्तराखंड में एकमात्र ऐसा नेता है जो भारतीय जनता पार्टी के जो है नस्ता नाबूद करने का काम करता है, जिन्होंने 2016 में आप देखिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के 9 विधायकों को तोड़ के यहाँ की चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया था, ये वही हरीश रावत जी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और कैलाश विजयवर्गीय के सपनों को चकनाचूर कर उन्हें वापस भेजा था और फ्लोर टेस्ट में अपनी सरकार बनाने का काम किया था। आज उत्तराखंडियत की आप बात कर रहे हैं, आप उत्तराखंड की अस्मिता से जोड़ रहे हैं। मैंने तो 2017 में भी, समीर अतुड़ी जी आ रहा हूं मैं आपके पास, 2017 में भी ये बात कही थी और खुले मंच पर उस समय हरीश रावत जी से यही सवाल पूछा था, और ये सवाल मैंने अब भी पूछा था। मैंने तब भी पूछा था कि आपने कहा था कि जिनके हाथ में खंजर था मेरी सरकार की पीठ में उन्होंने छुरा घोंपा, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा क्योंकि ये उत्तराखंडियत का सवाल है। आपने जिन्होंने आपकी सरकार का कत्ल किया बतौल हरीश रावत, आपने उन्हें माफ कर दिया, तो इसका मतलब उत्तराखंडियत का सवाल वही खत्म हो गया काला साहब। उत्तराखंडियत का सवाल, उत्तराखंडियत का सवाल, आप चावला जी, आप चावला जी एक बात जरा मेरी बारीकी से सुनिएगा। हरीश रावत जी ने कहा था कि जब तक वो उत्तराखंड के अवाम से माफी नहीं मांगेंगे, जब तक हरीश रावत उन्हें माफ नहीं करेगा और कांग्रेस में आने नहीं देगा। ये शायद हरीश रावत, आप देखिए, आप हरक सिंह जी का जरा वो लेख उठाकर देखिए जो उन्होंने सोशल मीडिया पे चला, हरक सिंह रावत जी का, और उत्तराखंड से उन्होंने माफी मांगी। आप ये देखिए कि उन्होंने जब उत्तराखंड से माफी मांगी तब उनको कांग्रेस में, और कम से कम एक हफ्ता तक दिल्ली के अंदर उनको जो है ये एहसास कराया कि आपने कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम किया था। भारतीय जनता चावला जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि जब उन्होंने माफी मांगी, जब उन्होंने माफी मांगी और माफी मांगने के बाद जब उन्होंने लिखकर माफी मांगी, तब हरीश रावत जी ने और कांग्रेस नेतृत्व ने उनको आने का लेने का काम किया। पर जो जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में रहकर इनके जो कोर पन्नो चैंपियन खानपुर से जो विधायक है उनका वीडियो वायरल होता है और उत्तराखंड का अपमान करते हैं, क्या इन्होंने माफी मंगवाने का काम किया? क्या इन्होंने उनके खिलाफ बोलने का काम किया? उनकी जब पत्नी को टिकट दिया, क्या उनको एहसास कराने का काम किया? सरकार को आप कह रहे चुनी हुई सरकार को गिराए, आपके मुताबिक जिन्होंने चुनी हुई सरकार को गिराया, मैं वही कह रहा हूँ कि जो उन्होंने किया, उन्होंने जो पाप किया था उस पाप के लिए उन्होंने माफी मांगी, उस पाप के लिए उन्होंने पश्चाताप किया, माफी मांगी, तब उनको पार्टी में लिया गया। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। चुनाव के 3 महीने बाद हरक सिंह रावत होंगे, यही हरक सिंह रावत, फिर माफी मंगवा के दिखा देना मुझे। आप चैलेंज दे रहा हूं, चैलेंज आपको, इसी हरक सिंह रावत से माफी मांग के दिखवा देना आप 3 महीने बाद, सिर्फ 3 महीने बाद। लिख लीजिए आज की डेट, और मार्च चल रहा है ना सर, मार्च चल रहा है, अप्रैल मई जून, जून में माफी मांग के दिखवाइएगा हरक सिंह। देखिए चावला जी, इसका जवाब तो उत्तराखंड की जनता जो है, अगर हरक सिंह जी के मंसूबे यही होंगे तो मंसूबे, उनके मंसूबे पे भी जनता जो उन्हें जवाब देने का काम करेगी। जिनका आप नाम ले रहे हैं ना, उनको आप नाम ले रहे हैं चावला जी, अगर हरक सिंह जी के मंसूबे, हरक सिंह रावत जी के मंसूबे यही होंगे तो उनको जनता जवाब देगी। 8x8 के कमरे में ज्वाइन करवाई थी ना हरक सिंह रावत को कांग्रेस दोबारा आपने, 8x8 के कमरे में। अब सुन लीजिए मेरी बात, वो जिनकी गाड़ी में गए थे उनकी गाड़ी का नंबर भी बता दूंगा, एड्रेस भी बता दूंगा, और किस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वो भी बता दूंगा सर। 3 महीने इंतजार करिए, तभी कह रहा हूं, छोड़िए उस बात को। समीर अतुड़ी जी, मनोज इष्टवाल जी मेरे साथ जुड़ गए। समीर अतुड़ी जी, क्या वाकई मुकाबला अब कांग्रेस बनाम बीजेपी हो चुका है, लग रहा है आपको? नहीं, ये सारी मिथ्या है, कांग्रेस बनाम बीजेपी कहीं भी नहीं है। मैं पहले सबसे पहले इस बात पे बोलना चाहूंगा, ये जो प्रचलन चल पड़ा है अमर्यादित शब्दों का, जो लगातार अलग अलग पार्टियां कर रही है, ये बड़ा दुख का विषय है कि जिस प्रासंगिकता के साथ हमें चुनाव लड़ना चाहिए था, जिस सार्थकता के साथ हमें
चुनाव लड़ना चाहिए उसको सारा धूमिल करने का काम जो है ये दोनों पार्टियां कर रही है। ये जो आरोप प्रत्यारोप के नाम पर जो गलत अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग होता है वो राजनीति में उचित नहीं है। दूसरी बात, जो आजकल जो नया शब्द इन्होंने निकाल दिया है उत्तराखंडियत का जो शब्द निकाल दिया है, पहले इन दोनों पार्टियों को समझना पड़ेगा कि आखिर उत्तराखंडियत है क्या। ये थोड़ी है कि आप उत्तराखंडियत के नाम पर आप लोगों को खरीद फरोख्त करवा काम कर लें। आपने जिस नेता को एक बार गलत माना उसको आप दोबारा खरीद के वापस ले आए, एक बार को आप किसी को गलत मान उसको अच्छा मान लीजिए। आखिर आप किस वैल्यूज में काम करने की बात कर रहे हैं? आपके आखिर आप उत्तराखंड की जनता के हितों के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि अपनी राजनीति को की रोटी सेकने के बारे में बात करना चाह रहे हैं या सत्ता हासिल करने के बारे में बात करना चाह रहे हैं? ये इनको समझनी बहुत जरूरत है। और मुझे लगता है कि जहां ये खरीद का मामला चलता रहता है, जहां दल बदल का मामला चलता रहता है, जनता इस बात को बहुत अच्छी ढंग से समझ चुकी है कि अगर कांग्रेस बीजेपी के बीच में हम जूझते रहे या खेलते रहे तो हम लोग ऐसे पिसते रहेंगे, कभी नहीं निकल के बाहर आएंगे। इसलिए इस बार बहुत क्लियर है कि बदलाव की बयार चल रही है और बदलाव के रूप में आम आदमी पार्टी पास जाऊं। मुझे एक बात, आप लोग कहीं लड़ाई में हैं लग रहा है आपको? बिल्कुल है, चुनाव के मैदान में है। और कहां पर है ये तो आपको 10 मार्च का रिजल्ट बताएगा कि हम कितनी सीटें जीत रहे हैं। कितनी सीटें जीत रहे हैं सर? फिर भी मैंने आपके इस मंच पे परसों भी बोला, 4 दिन पहले, कि हम 18 सीटों के आसपास की हमारी दावेदारी कि हम जीत रहे हैं 18 सीटों के आसपास। 18 सीटें जीत रहे हैं? मैंने आपको पिछली बार भी बोला था जब मैं आपके इस मंच पे आया था, साझा किया था, और मैं आज भी इस बात को रिपीट कर रहा हूं। ओके ओके मनोज सर, थैंक यू सो मच इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। सर तो आज तो सुपर संडे है, कल वोटिंग है और वोटिंग का दिन है, लेकिन उससे पहले आज दो बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। अमित शाह जी का बयान और हरीश रावत जी कह रहे हैं कि ये तो उत्तराखंडियत का अपमान है, मेरा अपमान नहीं किया, धोबी का डैश डैश डैश, ना इधर का ना उधर का, ना घर का ना घाट का। आपको लगता है कि ये अब ये जो उत्तराखंडियत की अस्मिता से जोड़कर सवाल हरीश रावत ने खड़ा कर दिया है, ये इफेक्ट डालेगा कल की वोटिंग पर? बिल्कुल भी नहीं, कहीं दूर दूर तक नहीं, क्योंकि उत्तराखंडियत के अगर मुद्दे को लेकर हरीश रावत बात कर रहे हैं और अगर अमित शाह जी ने वो डैश डैश वाली बात कही है, यकीनन इस समय हरीश रावत जी को अपनी सीट बचानी मुश्किल हो गई है। जो वहां से आंकड़े आ रहे हैं बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। धुंध अभी भी पार्टियों के बीच बंधी हुई, मैं तो कई विधानसभा घूम के आ रहा हूँ और कई विधानसभा में पहाड़ की घूम के आके अभी भी दुकान में बैठा हूँ एक छोटे से मार्केट की। धुंध वोटर्स की जो खामोशी है ना वो तय कर रही है, और हमेशा ये हुआ कि जहां खामोश वोटर हो जाता है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता सरकार के अलावा। ये वोटर्स की खामोशी, क्योंकि जो जो पार्टियां जो क्षेत्रीय दल है वो अपने को साबित नहीं कर पाए, दोनों भाजपा हो चाहे कांग्रेस है, इन दोनों की असलियत पूरी तरह से वोटर्स जानते हैं। अब यहां सिर्फ ये चुनाव नहीं रह गया, ये मुद्दे देखिए, जल जंगल जमीन, रोजगार, स्वास्थ्य, ये सब हट गया है, पलायन कहीं नहीं है दूर दूर तक, चकबंदी का कोई मुद्दा नहीं उठता। अब सिर्फ लोक लुभावन है कि आप मुझे वोट दो, मैं इतने आपको 6,000 से 8,000 कर दूंगा, आप मुझे वोट दो तो मैं आपको इतने दे दूंगा, सिर्फ लालच, जैसे टॉफियां खिलाते हैं ना बच्चों को, वो वर्तमान चुनाव दिखा रहे हैं। कोई मुद्दा ना कांग्रेस उठा पाई, ना भाजपा उठा पाई, ना अन्य दल उठा पाए, और इसका खामियाजा आने वाले समय में तय मानिए इन राष्ट्रीय पार्टियों को उठाना पड़ेगा। 2027 में प्रबलता के साथ कोई ना कोई क्षेत्र दल उभर कर जरूर आएगा, बना क्योंकि जिस जो चुनाव का स्वरूप बदल गया है, जो पार्टियों ने चुनाव को लोक लुभावन वादों में बदल दिया, विकास के कार्यों को बिल्कुल एक किनारे छोड़ दिया है, कोई अपने विकास के कार्य नहीं गिनवा रहा, कोई विकास की बात पूछ विपक्ष के पास पूछने के लिए विकास के कार्य नहीं है, आप सिर्फ झुंझुने बजाते रहेंगे, जो बैंड मास्टर के पीछे एक होता है झुंझुना बजाने वाला, इन झुंझुनों से आप पेट नहीं भरता जनता का। मनोज सर मुझे एक बात बताइए, आप ग्राउंड जीरो पर है, हम लोग न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम आज से 3 महीने पहले ग्राउंड जीरो पर सबको टटोल के आई, तब मैंने एक डिबेट में कहा था, मैंने कहा कि हम लोग खटीमा गए थे सर, खटीमा तक गए थे, तब मैंने कहा था कि सियासी धुंध है, जो शब्द आज इस्तेमाल कर रहे हैं आप, उस वक्त हमने भी कहा था कि सियासी धुंध दिखाई दे रही है खटीमा में भी। बिल्कुल बिल्कुल, तो किसी ने कहा कि कैसी बातें कर रहे हो, मैंने कहा नहीं, सियासी धुंध है वहां पर, सियासी धुंध है।
अब वो सियासी धुंध खटीमा में छटी या खटीमा में अभी भी सियासी धुंध है? मैं आपको बताना चाहूंगा पूरी तरह से कोटद्वार की, कल की बात करूंगा कि कोटद्वार कल तक पूरी तरह से कांग्रेस की झोले में जाता हुआ दिख रहा था। योगी के आते ही 40 साल पुराना भीड़ का रिकॉर्ड टूटा है कोटद्वार में आदित्य योगीनाथ के, और सिर्फ कोटद्वार ही प्रभावित नहीं हुआ, सामने लैंसडाउन सीट, पौड़ी सीट और यमकेश्वर सीट पूरी प्रभावित कर गई। इस समय योगी का जादू मोदी से ज्यादा चढ़कर बोला है। श्रीनगर में जो मोदी जी की रैली हुई है उससे बनस्पत योगी को ज्यादा इस समय तवज्जो मिली। ये सरप्राइजिंग था मेरे हिसाब से, अगर मैं चुनावी आंकड़ों की बात करूं तो। ये सारा रही बात वहां खटीमा में कि पुष्कर सिंह धामी कहां और किस पोजिशन पे है। पुष्कर सिंह धामी अब ठीक ठाक पोजिशन पे, लेकिन जो छन के खबर आ रही है उन्हीं की पार्टी के उनको जिताने के लिए तैयार नहीं है, कहीं ये मुख्यमंत्री न बन जाए। अब होड़ मुख्यमंत्री के पद के लिए हो रही है। अभी तक भाजपा एक होड़ में थी कि किसी भी तरीके से कांग्रेस को सरकार बनाने से रोकना है। अब होड़ ये है कहीं पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री न बन जाए, क्योंकि कांग्रेस एक बयान में ये 2012 रिपीट कर रहा है क्या? 2012 मैं सर आ रहा हूँ आपके पास, बहुत वैलिड पॉइंट है, लेकिन मोहन काला अपनी बात रखना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद सीमा डोरा जी आपके पास आ रहा हूँ, फिर समीर रतूड़ी जी बोलिए। काला साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए चावला जी, अभी मनोज जी ने अपनी बात रखी, मनोज जी अपनी बात रख रहे थे और वो बता रहे थे इससे पहले कि जो है वो जल जंगल जमीन और रोजगार की पलायन की भू कानून की बातें कर रहे थे, पर वो बातें करते करते कहीं ना कहीं जब वो आए तो भी उन्होंने कहा कि कल कोटद्वार में जो है योगी जी आए थे और पूरा समीकरण बदल गया। मैं मनोज जी से पूछना चाहता हूँ, क्या योगी जी ने रोजगार पे बात करी थी वहाँ? क्या वहाँ पलायन पर बात करी थी? क्या वहाँ क्या भू कानून पे बात करी थी? क्या स्वास्थ्य सेवाओं पर बात करी थी? क्या जो 9 लाख जो जिन 9 लाख लोगों ने, मनोज जी मेरी सुन लीजिए, मैंने बड़े प्यार से आपकी बात को सुना और मैंने क्या मेरे जी राष्ट्रवाद के नाम से ही देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुसलमान और राष्ट्रवाद के अलावा कुछ है ही नहीं ना। हम भी तो यही कह रहे हैं कि 5 साल में अगर उत्तराखंड में, अगर 5 साल में आपने उत्तराखंड में विकास किया होता तो आपको इस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लाने की जरूरत ना पड़ती, अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को लाने की जरूरत ना पड़ती। आप अपने विकास कार्य बताते ना, आप विकास कार्य बताने के लिए है नहीं, आपको बताने की जरूरत आपको पड़ नहीं रही है, इसलिए आप जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही चीज है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं चावला जी कि उत्तराखंड का जो आप चुनाव की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जो है उत्तराखंड का जनमानस जो है कल 14 फरवरी को जब मतदान करने जाएगा तो वो एक ऐतिहासिक जो है मतदान करने जाएगा, और वो मतदान इसलिए करने जाएगा, और मैं सोचता हूँ कि वो इसलिए मतदान करेगा क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे हैं कि चाहे वो पीआरडी का कर्मचारी हो, चाहे वो ओपनल का कर्मचारी हो, चाहे वो बिजली विभाग का कर्मचारी हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ कर्मचारी हो, चाहे वो अन्य, चाहे वो आपका सचिवालय संघ से जुड़े हुए कर्मचारी हो, ऐसा कौन सा वर्ग था, चाहे वो आशा कार्यकर्ती हो, चाहे वो भोजन माता हो, चाहे वो हमारी दाई माता हो, अनेकों अनेक वर्ग के लोग जो है पिछले 5 सालों से अपने अधिकारों के से वंचित रहे और वो अपने अधिकार पाने के लिए। काला साहब ये 2017 में सारे सुखी थे क्या? आप 2017 12 से 17 के बीच में उठा के बताइए ना सर, मैं देख चुका हूं क्या पीआरडी, क्या पीआरडी के लोगों का वेतन, पीआरडी के लोगों को जो ओपनल के माध्यम से, चावला जी ओपनल के माध्यम से जो लोग काम उनको नियमित करने का काम हरीश रावत जी की सरकार ने किया, जो पीआरडी से काम कर रहे थे उनको नियमित करने का काम किया, जो मंगल दल के माध्यम से काम कर रहे थे उनको करने का काम किया। आप ये मत कहिए ना कि सुखी या दुखी, आप या तो आप मुद्दों पर बात करिए। धरने पर सर मैंने तो धरने वहां देखे, आप विधानसभा के बाहर वाले धरने भी देखे सर मैंने, और विधानसभा मैं सर आपसे गांधी पार्क, मैं लेटेस्ट आपसे गांधी पार्क की बात कर रहा हूँ साहब, मैं चावला जी आपसे लेटेस्ट गांधी पार्क के बाहर की बात कर रहा हूँ। आप छोड़ दीजिए जो परेड ग्राउंड बीजेपी कार्यालय के बराबर में बना हुआ था, मैं तो आपसे गांधी पार्क के बाहर की बात कर रहा हूँ। लाइन लग गई थी गांधी पार्क के बाहर, लाइन लग गई थी चावला जी गांधी पार्क के बाहर। कौन चला देता था? आप विधानसभा, आप विधानसभा प्रदर्शन, आप मुख्यमंत्री आवास, कुछ राजभवन, कुछ छोड़ दीजिए, आप गांधी पार्क देखिए कि गांधी पार्क पे भीड़ लग गई थी। एक मिनट, एक काला साहब गुस्सा नहीं, आराम से। सीमा डोरा जी अब बताइए ना, इतनी मतलब ये राष्ट्रवाद की ध्रुवी और राष्ट्रवाद को लेकर चुनाव जो मनोज सर बोल रहे हैं, मैं उनकी बात से इसलिए सहमत हूं। अब देखिए ना,
पहले आया मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कहां से आया, कौन लेकर आया, कौन नहीं, जिस शख्स ने बोला उस शख्स को उत्तराखंड के लोग नहीं जानते, और आ गया क्या सेंटर में, केंद्र में चुनाव के, मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ गया ना मैडम, पूरा जोर लगा दिया आपके ट्विटर हैंडल बीजेपी के, मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वो कोई मजार से निकल रहा है उसकी फोटो दिखा रहा है, कोई कह रहा है कि देखो ये नमाज पढ़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां से याद आ गया आपको, वो भी अंतिम दिन चुनाव के। ये सबसे बड़ी बात कही आपने सीमा मैडम जी, 4.5 साल तक करते कौन, डबल इंजन की सरकार, इतना विकास कर दिया, लोगों को पकड़ पकड़ के रोजगार दिया आपने, आपने लोगों को पकड़ पकड़ के कि तुम भी ले लो, तुम भी, फिर भी रजिस्टर्ड बेरोजगार 872,500 है, पता नहीं कहां से आ गई है, लेकिन फिर भी ये राष्ट्रवाद के नाम पर यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको प्रचार के आखिरी दिन क्यों याद आया? क्योंकि अब दुनिया को ये पता है कि रोजगार की बातें जो ये करते हैं तो इन्होंने अपने समय में कितने रोजगार दे दिए थे जो हमने बेरोजगार कर दिए। ठीक है, हम कह सकते हैं कि कुछ जो है गवर्नमेंट ऑफिसेज में हम नहीं कर पाए उतने जितने करने चाहिए थे, लेकिन स्वरोजगार के तहत और होमस्टे के तहत और बहुत सारे लोन के तहत हमने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। अगर आप डाटा कहेंगे तो मैं वो भी पेश कर देती हूँ आपके पास। मैं तो पिछले लेकिन 5 महीने से आपके हर प्रवक्ता को बोलता हूँ मेरे को डाटा दे दो, आप मुझे मेल आईडी दे दीजिए। मैंने मुख्यमंत्री से भी कहा, मैं इंटरव्यू लेने गया, मैंने कहा मेरे को डाटा दे दीजिए, उन्होंने कहा भिजवा दूंगा। और उसके अब आते हैं तो ये दिखता है कि चलिए रोजगार तो अपनी जगह है और बाकी मुद्दे तो अपनी जगह है। सबसे पहले तो हमारा देश ही जो है वो हिंदुस्तान ना रह रहा जिस हिसाब से ये लोग बयानबाजी करते रहते हैं। आपने हिंदुस्तान बच जाएगा, नहीं बच नहीं जाएगा, सबको एक समान अधिकार मिलने शुरू हो जाएंगे जो आज तो कहते हैं। मैं आपको बताऊं सर, मैं आपको लाइव बात बता रही हूँ, लाइव। मैं आप मुद्दे की बात करते हो तो मैं भी प्रैक्टिकल बात करती हूँ। मैं एक डिबेट में थी, उन्होंने मुझसे बोला कि एक जो थे मुस्लिम थे, उन्होंने मुझसे बोला और वो कांग्रेस के भी मुस्लिम आ गए, उन्होंने मुझसे मारे बात। आपने पूछा मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तो मैं आपको जवाब दे रही हूँ, वरना मैं नहीं रोजगार की बात करूंगा। क्यों मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये क्यों आपने यूनिवर्सिटी की बात, आपने यूनिवर्सिटी की बात करी, यूनिवर्सिटी पे इनके नेता ने बोला था कि मैं इसीलिए आ रहा हूँ, इसलिए ज्वाइनिंग कर रहा हूँ कांग्रेस में, क्योंकि नेता का नाम लेकर अभी अमित शाह बोल रहे थे, उन्होंने बोला क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोल दूंगा मैं, उन्होंने अरे तो ये लोग ने उनसे एक्सेप्ट करा कि ठीक है आप आ जाइए, हम लोग आपके साथ राजी है, उन्होंने खुद ये बोला। और उन्होंने पेपर में इतना न्यूज़पेपर में इतना बड़ा आया हुआ था, क्यों बोला उत्तराखंड का, देखिए उत्तराखंड की राजनीति क्यों करी उन्होंने, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड और मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है। कल जनता वोट डालने जाएगी तो इसी नाम पे डालेगी, क्योंकि राष्ट्रवाद तो है, राष्ट्रवाद मतलब बीजेपी, बीजेपी मतलब राष्ट्रवाद, कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी है बाकी सब कोई नहीं। ये जनता का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति है जो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा है। ये भावनाओं से तुष्टिकरण की राजनीति में खेल खेल रहे हैं, जो इनका काम रहा है कुछ नहीं रहा है। जहां तक मुद्दों की बात रही है, मुद्दों की बात मैं स्पष्ट तौर से बोल लूं कि जनता ये देखना चाहती है कि कौन सी पार्टी है, ऐसी पार्टी है जो अपनी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं लाती है, और ऐसे मामले में जो चाहे कितने में क्यों ना हो, आप कर रही है, आपके आपके प्रवक्ता मेरे साथ बैठे हुए थे परसों, उसने खुद कबूल किया आपके आपके जिला अध्यक्ष ने कि ये लूटने के लिए है यहाँ पे दिल्ली से, कहते हम नहीं जानते इनको कहाँ कहाँ के हैं ये लोग, सब लूटने के लिए आए हैं। आपकी तरह हम धार्मिक भावनाओं से नहीं खेलते हैं, आपकी तरह जनता की भावनाओं से नहीं खेलते हैं। आपके अंदर राष्ट्रवाद है कहाँ, राष्ट्रवाद होता तो आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं ना, आप तो शाहीन बाग बनाने वाले हैं, आप तो दंगा कराने वाले हैं दिल्ली में, आप वहां से राष्ट्रवाद करेंगे, फ्री की राजनीति खाली करते हैं, नहीं होगा आप फ्री में, आप बहुत गलत फहमी में जी रहे हो, यहाँ पे बिल्कुल नहीं होने वाला। आप तो आपके प्रवक्ताओं ने बता दिया, आपके जिला अध्यक्ष ने बता दिया कि कैसे हैं आप लोग लूटने के लिए आए हैं यहाँ पे दिल्ली से, जनता धक्के देकर निकालेगी आपको। आप देखिए देखिए आप रुद्ध बाल करिए, कल कई दिन तो है चलाते रहिए, आप कुछ नहीं होने का, ना आपके पास राष्ट्रवाद है, ना आपके पास कोई प्लानिंग है, प्लानिंग है तो सिर्फ फ्री की बिजली ले लो, फ्री का पानी ले लो, और कोई प्लानिंग नहीं है। आपकी साजिश खत्म और नेस्त नाबूद होगी, इस बार फेल होगी, ये बार फिर नहीं पड़ सकते हैं। चलिए चलिए मनोज इस्टवाल जी फाइनल कमेंट दीजिए ना,
सीमा जी अब वो फ्री दे रहे आप, ऐसा तो है नहीं कि आप फ्री नहीं दे रहे चावला, आप जो 5 80 किलो चावला राशन दे रहे हैं वो भी फ्री देकर फोटो और खिंचवा रहे, कह रहे कि देखो ये देखो हमने फ्री दे दिया। चावला जी प्लीज प्लीज बहुत देर से वेट करें, मनोज सर अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद मैं कार्यक्रम वाइंड अप कर रहा हूँ। 8,072,000 बेरोजगारों की बात मैं अभी भी सुन रहा था तिलक भाई जी। सर मोहन कारा जी, समीर अतुड़ी जी और सीमा डोरा जी तीनों ही प्रबुद्ध लोग हैं। सोशल मीडिया पे ट्रोल हुआ सेवायोजन कार्यालय का ये 8,72,000 के आसपास का बेरोजगारी का फिगर। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से गुहार करता हूं, इनमें से कितने लड़के घर पे बैठे पहली बात, और घर पे बैठे हैं तो हमारा जो वोटिंग परसेंटेज पड़ता है वो 55% से ऊपर क्यों नहीं जाता? सारा युवा तो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है। मैंने भी क्या कहते हैं, आज तक जो मैंने भी सेवायोजन कार्यालय में नाम लिखवाया है, आज तक मेरे को भी सेवायोजन कार्यालय से कभी एक चिट्ठी नहीं आई कि हाँ आप क्या कहते हैं आइए और तमाम इंटरव्यू नोट कीजिए। यही फिगर कांग्रेस की सरकार में भी था, यही फिगर पहले भी भाजपा की सरकार में था। ये फिगर की बेरोजगार 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 ये रोना निरर्थक है। आप सिविल कोड की बात कर रहे थे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद अचानक ही भाजपा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां से ये अचानक ही जन्म हो गया 4 दिन में, ये बड़ा अचंभे वाली बात है। रही बात मोहन कुमार कारा जी, आप ये तय मानिएगा मुद्दा एक ना हो, बेरोजगार सारा पहाड़ हो, लेकिन अगर राष्ट्रवाद की राजनीति भाजपा चल रही है ना तो राष्ट्रवाद, यहाँ का आदमी तो पत्थर खा के भी पेट पाल लेगा, लेकिन जहाँ हिंदुत्व और सनातन हिंदू धर्म परंपराओं की चोट की जाती है वहां हिंदू एक हो जाता है। अभी तक जो पहाड़ों में घूम रहा हूं मैं, जगह जगह माँ बहनों को मिल रहा हूं, सबसे बड़ी वोट प्रोवाइड करती है माँ बहने। पुरुष वर्ग दारू की बोतल में बिक जाता है, पुरुष वर्ग 500 के नोट में बिक जाता है, लेकिन माँ बहने एक तरफा वोट करती है और वही सरकार भी बनाती है। राष्ट्रवाद यहाँ काम आता है क्योंकि राष्ट्र का प्रहरी हर घर से है। मैं कोरदार की इसलिए बात कर रहा था, योगी जी की, योगी आदित्यनाथ के, कल तक धीरेन्द्र चौहान के पक्ष में जितने फौजी थे, फौजियों का जमाना, जितनी उन्होंने भीड़ जुटा रखी थी कोरदार में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, वो अपना सब उतार मनोज जी उधर आ गए। मनोज जी मैं उन्हीं माता बहनों से कहना चाहता हूँ, मनोज जी मैं उन्हीं माता बहनों से, उत्तराखंड की उसी मातृशक्ति से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के फर्जी राष्ट्रवाद पर सवाल खड़े करा करे, उनसे पूछा करे कि अगर वो हिंदुत्व की बात करते हैं, अगर वो देश की बात करते हैं, अगर वो सनातन धर्म की बात करते हैं, तो धर्म नगरी हरिद्वार में मदन कौशिक जी आश्रम से शराब पकड़ी जाती है मदन कौशिक जी के यहाँ पर, वो माता और वो बहने वो सनातन धर्म पर क्यों नहीं, उस पर उन माता बहनों को सनातन धर्म पर ये भी देखना चाहिए कि सबसे बड़ी धर्म नगरी में, सबसे बड़ी धर्म नगरी में शराब पकड़ी जाती है, मांस पकड़ा जाता है, धर्म नगरी में पकड़ा जाता है। इनसे पूछिए मनोज जी, मनोज अरे महेश नेगी बलात्कारी, महेश नेगी बलात्कारी कल मोदी जी के साथ मंच पर था अल्मोड़ा में, अरे महेश नेगी बलात्कारी कल मोदी जी के साथ मंच पर था, ज्वालापुर से सुरेश राठौर, संजय कुमार संगठन महामंत्री, संगठन कुमार महामंत्री बीजेपी कार्यालय बलबीर रोड, सुरेश राठौर बलात्कारी, महेश नेगी बलात्कारी, मोदी जी के साथ में था मंच पर, चावला जी सीमा जी को बताइए कि महेश नेगी बलात्कारी मंच पर थे, काला साहब मंच पर थे, महेश नेगी जी जो बलात्कारी, आप देखिए अपने जाके राजस्थान की हालत, चावला जी अपनी बात लीजिए, चावला जी अपनी बात, चावला जी अपनी बात, चावला जी अपनी बात में रख दो, जरा सीमा जी से पूछे, शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, शायद इन्हें याद नहीं होगा कौन है, सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी किन के यहाँ, शायद इन्हें मालूम नहीं होगी। एक सेकंड मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि बाहर के घर में बाद में जाए, समीर अतुड़ी जी जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखिए बीजेपी कह रही है आपकी बार 60 पार,
अब की बार 60 पार, अब की बार आम आदमी पार्टी कितने पार कर रही है? मैंने आपको स्पष्ट तौर से बोला 18 सीटें हम ला रहे हैं, हम आपको बता चुके हैं मिनिमम 18 मिनिमम। ओके, किंग नहीं तो किंग में। ओके मोहन काला साहब, अब की बार कितने पार? देखिए ये सत्ता का जो घमंड है, सत्ता का जो नशा है, वो भारतीय जनता पार्टी के सर पर चढ़कर बोलता है। कल 14 तारीख को मतदान होना है और उत्तराखंड की जनता जो है वो मन बना चुकी है महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल डीजल की महंगाई से त्रस्त होकर, बेरोजगारी से त्रस्त होकर। ये आप इनसे पूछिए, मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तराखंड की जनता कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है और जो है फुल बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अब 60 पार, 70 पार, 50 पार, ये भारतीय जनता पार्टी के सर पर जो है नशा चूर रहता है, उनके सर पर सत्ता का नशा बोलता है। कांग्रेस उत्तराखंड के बहुमत के साथ जो है अपनी बात सरकार बनाने जा रही है। मैंने सवाल क्यों पूछा सीमा डोरा जी, अभी कुछ दिन पहले ना मैं पूरे देहरादून घूम गया एक पोस्टर के चक्कर में, पूरा देहरादून, इतना महंगा पेट्रोल, ऊपर से कंपनी का पेट्रोल और फूंक दिया मैंने पूरे देहरादून में एक पोस्टर के चक्कर में, पूरा देहरादून घूम गया, पता नहीं कहां पहुंच गया मैं देहरादून घूमते घूमते एक पोस्टर के चक्कर में, और वो पोस्टर कहीं नहीं दिखा मुझे, पता कौन सा पोस्टर? अब की बार 60 पार ढूंढ रहा था पोस्टर, ये हमारा नारा है, ये हमारा नारा है, पोस्टर नहीं लगाया हमने, पोस्टर लगे हुए थे कोई बोल, अब की बार 60 पार पोस्टर लगे हुए थे, ढूंढ रहा था, टाइमलाइन पर पड़ा हुआ पूरा का पूरा, पूरा देहरादून घूमते हुए मेरा, पोस्टर ही नहीं मिला एक भी अब की बार 60 पार, तब भी फिर भी आपसे पूछ रहा हूं अब की बार 60 पार होगा कि नहीं? राष्ट्र को बचाना है, 60 पार जाना है, नारा दे दिया, बताना है 60 पार जाना है, राष्ट्र को बचाना है, 60 पार जाना है, बहु बेटियों को सुरक्षित करना है। त्रिवेंद्र जी कह रहे हैं 60 पार जिताओ, कौशिक को मुख्यमंत्री बनाओ, 60 पार जिताओ, कौशिक को मुख्यमंत्री बनाओ। नहीं नहीं, उनकी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, उन्होंने कार्यकर्ताओं ने उनसे बोला कि मदन कौशिक जी को मुख्यमंत्री बनाओ, तो उन्होंने कहा पहले जिताओ 60 पार लाओ, ऐसे बोला उन्होंने, उसको गलत वे में ना लिया जाए, उन्होंने कोई गलत मुख्यमंत्री बनाओ, थैंक यू, कोई बात नहीं समीर अतुल जी, हो सकता है अपने अंदर झांक लीजिए जरा, कितनी गंदगी भरी हुई है। 14 मैडम क्यों पर्सनल आम आदमी पार्टी को प्लीज। ओके बहुत बहुत शुक्रिया काला जी आपका भी, सीमा डोरा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रतुड़ी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देवभूमि का दंगा इस बार दिलचस्प होने जा रहा है, कल वोटिंग है, आपको वोट जरूर डालना है, और ये बात उत्तराखंडियत की है, तो उत्तराखंडियत के वास्ते वोट जरूर डालिएगा, क्योंकि आपका वोट आपकी ताकत, विधायक आपके विधा या फिर विधानसभा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।